आज हमें 68 डेज हो गए लगातार धरने पे बैठे हुए, रैलियां निकालते हुए, प्रोटेस्ट करते हुए, किसी ने हमारी डिमांड्स को नहीं सुना। कल हमें ऑनरेबल मिनिस्टर आसिफ निकास जी ने बुलाया, हमारी डिमांड्स को सुना, बड़े ध्यान से, बड़े रिस्पेक्ट के साथ हमें बुलाया और उन्होंने हमारी डिमांड को, एक एक डिमांड को बड़े ध्यान से सुना और कहा आपकी डिमांड जो है वो जेन्युइन है, मैं आपकी डिमांड्स को पूरी करने में आपका पूरा साथ दूंगी। ये जो डिमांड्स हैं मैं महबूबा मुफ्ती, ऑनरेबल मिनिस्टर जो महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर जी हैं, उनके सामने रखूंगी, आपकी मीटिंग करवाऊंगी, आपकी बात करवाऊंगी उनके सामने। लेकिन इस टाइम वो दिल्ली में है, जब भी वो दिल्ली से आएंगी मैं आपकी बात करवाऊंगी, उनके साथ आपकी मीटिंग करवाऊंगी, आपकी डिमांड को सामने रखूंगी। हमने कहा ठीक है मैडम जी, जो हमारी मेन डिमांड्स हैं वो उन्होंने सुनी। कहते हैं जो आप सड़कों पे क्यों हो, सड़कों पे जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, आपके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं, आपके ऊपर अत्याचार भी हुए, हमने सब कुछ देखा, मीडिया के थ्रू हम सब कुछ देखते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा आप सड़कों पे क्यों हो। लेकिन हमने कहा मैडम हमारा भी मन नहीं करता हम सड़कों पे रहें, सड़कों पे लाठियां खाएं, हमारा भी मन नहीं करता, हमारी डिमांड को जल्द से जल्द पूरा करें। हमारी मेन डिमांड जो है सबसे पहले रेगुलाइज किया जाए, हमें जब तक हमें रेगुलाइज नहीं किया जाता तब तक मिनिमम वेजेस 10,000 रुपया वर्कर को दिया जाए, 6,000 रुपया हेल्पर को दिया जाए, पिक एंड चूज बंद किया जाए, ग्रेचुटी स्कीम लागू की जाए, पेंशन स्कीम जो है लागू की जाए, यही हमारी मेन डिमांड है।